आप लोगों ने शाम को सुना था कि श्रीमद् भागवत गाथा सुनकर जब ज्ञान वैराग और भक्ति का जब तारण तरण हो गया, उसके बाद इधर जो 88,000 ऋषि थे तो सूत जी समझाने लगे, कहने लगे सुनो इस भागवत गाथा सुनकर के मन से ही नहीं बल्कि प्रेत आत्मा का भी तारण तरण हो जाता है। मतलब जवाब दिया कैसे? बोले तुम्हें नहीं पता, एक ब्राह्मण रहते थे परीक्षित जी, जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। अब ध्यान से सुने सभी लोग, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो दक्षिण दिशा में रहते थे। वो बहुत ही सज्जन और नेक इंसान थे, बहुत ही सज्जन इंसान थे, लेकिन उनकी एक स्त्री थी जिसका नाम था धुंधली, जिसका नाम था धुंधली। तो हुआ ये, वो बहुत ही टेढ़ी स्त्री थी, यानी करकसा स्त्री थी। करकसा स्त्री उसे कहते हैं जो तो ना तो पति की बात माने और ना ही उसकी सुने, बात बात पे गाली दे, बिन बात पे बच्चों को मारे, दो चार घर में जब तक झगड़ा ना करा ले तब तक वो चैन से नहीं बैठती है। वो कौन है? करकसा स्त्री। लेकिन लिखा है इनके घर में एक बेरी का पेड़ था जिसमें कभी बेर नहीं आया था, और इनके घर में एक गाय थी जिसने कभी बछड़ा नहीं दिया था, और ना ही इनके कोई संतान थी। और जब इनके कोई संतान नहीं हुई आत्मदेव के, तो बड़ा दुखी हुए। ये बात कौन समझा रहा है? सूत जी समझा रहे हैं। अच्छा एक बात और, सूत जी कौन थे? सूत जी जो थे, सूत कहते किसे हैं? पहले के समय में, प्राचीन समय में, जैसे अगर दो जातियों से कोई संतान पैदा होती है तो उसे परिचित ही सूत कहते थे। उन्हीं में से एक ज्ञानी महापुरुष हुए, उनका नाम सूत जी पड़ गया। उनके धीरे धीरे एक नहीं 88,000 शिष्य बन गए। वो ही समझा रहे हैं इनके जब कोई संतान नहीं हुई तो आत्मदेव ने समझ लिया अब क्या होगा। बंद कर दो।